अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है बायोलॉजी 10th क्लास में चैप्टर नंबर 16 इंट्रैक्शन इन एन इकोसिस्टम। देखें इंट्रैक्शन क्या होता है, जब दो या दो से ज़ायद चीज़ें, टू आर मोर थिंग्स, जब दो या दो से ज़ायद चीज़ें आपस में क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन शो करवाती हैं, हम उस चीज़ को नाम देते हैं कि ये एक इंट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है, यानी कि टू आर मोर थिंग्स कंपीट विद ईच अदर। जब ये एक दूसरे के साथ कंपीट करती हैं, वो जिस चीज़ को प्रिपेयर करते हैं वो बेसिकली क्या होता है, एक इंट्रैक्शन होता है। माहौल के अंदर इंट्रैक्शन किस मकसद के लिए किया जाता है, हमेशा हम एक ही बात करते हैं कि इकोसिस्टम इस चीज़ को स्टेबल करने के लिए ये इंट्रैक्शन लाजम होता है। अब इस इंट्रैक्शन की आगे टाइप्स होती हैं, इनकी टाइप्स हैं, इनकी दो काइंड्स होती हैं। एक जो इंट्रैक्शन होती है उसे हम नाम देते हैं इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रैक्शन, और एक को कहते हैं इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन। जो तो इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रैक्शन होते हैं, ये इंट्रैक्शन सिमिलर मेंबर्स ऑफ स्पीशीज, यानी कि एक ही तरह की स्पीशीज होती हैं, उन स्पीशीज के दरमियान बेसिकली तौर पर ये एक इंट्रैक्शन होता है, इसे इंट्रा स्पेसिफिक कहते हैं। इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन जो सा होता है वो क्या होता है, डिफरेंट मेंबर्स ऑफ स्पीशीज, मुख्तलिफ तरह की जो स्पीशीज होती हैं उनके जो मेंबर्स होते हैं वो आपस में जब इंट्रैक्शन शो करते हैं वो एक इंटर स्पेसिफिक कहलाते हैं। अब इंट्रा स्पेसिफिक में जैसा कि कैट का इंट्रैक्शन अगर कैट के साथ हो इंट्रा, डॉग का जो सा होता है वो डॉग के साथ हो तो ये इंट्रा। ये वाले जो इंट्रैक्शन होते हैं बहुत सवियर होते हैं, इनमें जान जाने का भी खतरा होता है, स्पीशीज के मादूम होने का भी खतरा हो जाता है, यानी कि वो एक्सटिंक्ट भी हो सकती हैं, इंडेंजर्ड्स में भी आ सकती हैं, ठीक है। लेकिन जो डिफरेंट मेंबर्स होते हैं, सपोज दैट यहाँ पर कैट का इंट्रैक्शन डॉग के साथ आ जाए, लाइन का इंट्रैक्शन आगे किसी भी डियर के साथ या किसी और के साथ आ जाए, तो ये वाला जो सा इंट्रैक्शन होता है ना, तो ये हमारे पास इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन कहलाता है। इस इंट्रैक्शन की आगे डिफरेंट अदर स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसा कि इंट्रैक्शन किस वजह से दिया जाता है, कैसे हम शो करते हैं कि ये इंट्रैक्शन होता है। सबसे पहले इंट्रैक्शन की नई जो स्ट्रक्चर होती है उसे कंपटीशन कहते हैं। देखें जो कंपटीशन है, मुकाबला किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, लेकिन इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी के लिए जो मुकाबला होता है वो फूड के लिए होता है, शेल्टर के लिए होता है, मेटिंग के लिए होता है, ठीक है। तो ये वो असल में स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन स्ट्रक्चर्स के लिए कंपटीशन होता है। तो कंपटीशन जो सा है इसके दरमियान भी क्या होता है, बहुत सारी जो स्पीशीज होती हैं वो या तो इंडेंजर्ड्स हो जाती हैं या फिर एक्सटिंक्ट होने के उनके चांसेस होते हैं। फिर इसके बाद अगली जो इनकी इंट्रैक्शन की स्ट्रक्चर होती है उसे कहते हैं प्रीडेशन। प्रीडेशन एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स का आपस में इंट्रैक्शन होता है, एक प्रे होता है एक प्रेडेटर होता है। अब जो प्रे होते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है प्रेडेटर्स, जैसा कि प्रे हमारे पास है डियर, प्रेडेटर हमारे पास है लाइन, तो लाइन का इंट्रैक्शन इस डियर के साथ हो रहा है तो ये प्रीडेशन कहला रहा है। तो इसके बाद ये वाला प्रीडेशन का जो सिस्टम होता है ये दोनों में होता है, एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी। अगर आप प्लांट्स की बात करेंगे तो इंसेक्टिवर्स प्लांट, जो इंसेक्टिवर प्लांट्स होते हैं वो ये काम पे कर रहे होते हैं, ठीक है जी। इसके बाद अगली जो इनकी स्ट्रक्चर होती है उसे नाम दिया जाता है सिंबायसिस का। सिंबायसिस इसके अंदर डिफरेंट आगे काइंड्स होती हैं। अब इसके अंदर जो आगे नई स्ट्रक्चर्स होती हैं वो कौन सी, सबसे पहली पैरासाइटिज्म,
पैरासाइटिज्म एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें दो पार्टनर होते हैं, एक पार्टनर जो सा आता है वो बेनिफिट लेता है, दूसरा जो पार्टनर होता है वो नुकसान लेता है। एक को फायदा हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है, इस चीज़ को हम पैरासाइटिज्म कहते हैं। जिसको फायदा होता है वो पैरासाइट्स होते हैं, जिन्हें नुकसान होता है वो होस्ट होते हैं। अब पैरासाइटिज्म में जो पैरासाइट्स हैं, ये पैरासाइट इनकी टू टाइप्स होती हैं। एक वो पैरासाइट जो बॉडी के आउटसाइड रहते हैं, एक वो बॉडी के इनसाइड रहते हैं। जो आउटसाइड रहते हैं वो एक्टोपैरासाइट्स, जो बॉडी के इनसाइड रहते हैं वो एंडोपैरासाइट्स होते हैं। ये पैरासाइट्स हमें मुक्त तरह से प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं, जिसे हम इन्फेस्टेशंस के नाम से भी जानते हैं। अब पैरासाइट ये एनिमल्स के भी होते हैं, यही जो पैरासाइट्स हैं ये प्लांट्स में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं। एनिमल्स के पैरासाइट ले लें तो जैसा कि हुकवर्म, टैपवर्म, राउंडवर्म, एस्केरस, ये जिस्म के अंदर होते हैं। लीच, मस्कीटो, बेड बग, ये जितने भी हैं ये सारे बॉडी के आउटसाइड होते हैं, हम इन्हें एक्टोपैरासाइट्स कहते हैं। प्लांट के पैरासाइट्स की बात कर लें, कस्कोटा बेल है जिसे हम डूडर कहते हैं, एफर्ट्स हैं, ये सारे बेसिकली प्लांट के पैरासाइट्स होते हैं। तो पैरासाइट असल में एक ऐसा सिम्बायोटिक रिलेशन होता है दो जानवरों के दरमियान, जिसमें एक को फ़ायदा होता है और एक को नुकसान होता है। इसकी जो अगली किस्म है उसे हम नाम देते हैं म्यूचुअलिज्म का। म्यूचुअलिज्म एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें दो ही पार्टनर्स होंगे और दोनों को फायदा हासिल होता है। दोनों क्या लेते हैं, फायदा हासिल करते हैं। सपोज एग्जांपल ले लें, जैसा कि टर्माइट्स, दीमक, इसके पास क्या होता है, प्रोटोजोआ। इसके बाद वास्कुलर प्लांट्स हैं, इन वास्कुलर प्लांट के पास क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये कैसा लिंक होता है, जिस लिंक के अंदर दो पार्टनर होते हैं, दोनों पार्टनर्स को बेनिफिट हासिल होते हैं, हम इस चीज को नाम देते हैं किसका, म्यूचुअलिज्म का। इसके बाद जो इनकी अगली टाइप होती है उसे कहते हैं कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें एक पार्टनर गेट बेनिफिट, जो सेकंड होता है नॉट लॉस, नॉट बेनिफिट, ना उसको फायदा होता है ना उसको नुकसान होता है। एग्जाम्पल इसकी ले लें, सक्कर फिश, इन्हें फायदा होता है लेकिन जिसके साथ जुड़ी होती हैं वो शार्क्स होती हैं, जिन्हें ना फायदा होता है ना नुकसान। इसके बाद एपीफाइट्स हैं, ये ऐसे पौधे होते हैं जो कुछ बड़े ट्रीज के ऊपर ग्रो करने लग जाते हैं। बड़े ट्रीज के ऊपर ये ना तो उससे खुराक लेते हैं ना ही कोई और चीज़, बस उसके इस दरमियान में एक जगह होती है, उस जगह को कंज्यूम करते हैं, तो हम इन्हें नाम दे देते हैं एपीफाइट्स का। तो ये असल में ऐसे इंट्रैक्शंस हैं जो हमारे इकोसिस्टम को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। अब हम इन्हीं इंट्रैक्शन को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, अब इन इंट्रैक्शंस को हम किस तरह से डिस्टर्ब करते हैं वो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा, हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर है, इंट्रैक्शंस इन एन इकोसिस्टम।